ये है कुछ इस तरीके से चेंज है, कन्वर्ट कराई हुई है पूरी भाई ने। ये देखिए तो ये पूरी आफ्टर मार्केट है लाइट है ना इसकी। हाँ, लाइट, ये ग्रिल, बम्पर। 5.5 लाख रुपए। हाँ जी, कन्वर्ट कराने में। कन्वर्ट कराने में लगे हैं आपके। हाँ जी। तो अगर बात करो तो 305/40 और 22 इंच के भाई अलॉय व्हील्स हैं। इसके अलावा और कितनी कार है भाई आपके पास? भाई हमारे पास 22-23 गाड़ियां। 22-23 गाड़ियां। और गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करता हूँ सब बढ़िया होगे और मस्त होगे। तो गाइस आज की वीडियो आपको दिखाने वाले हैं भाई जी वैगन। अब बहुत बंदे कह रहे हो कि भाई ये बलैरो खड़ी है खड़ी, तो भाई ये असली की जी वैगन है ना। हाँ, तो आज की वीडियो हमारे साथ है भाई। तो भाई कैसे हो भाई? बढ़िया। तो भाई भाई के पास है ये, हो गई ये, हो गई ये, हो गई। इसके अलावा और कितनी कार है भाई आपके पास? भाई हमारे पास 22-23 गाड़ियां। 22-23 गाड़ियां। और जी वैगन कितनी है? दो जी वैगन, एक पोर्श हो गई, एक थार हो गई। और कौन कौन सी कार रहने वाली है भैया? हमारे पास सारी लग्जरी गाड़ियां हैं, हमारा जैसे वेडिंग और सॉन्ग शूटिंग का काम है। अच्छा अच्छा अच्छा। मिल जाएंगी सारी बेंटले, मस्टैंग, रेंज रोवर, मतलब सब है अपने पास। मतलब जिसको भी भाई वेडिंग के लिए चाहिए हो ना कार, लग्जरी कार, तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है भाई को। तो ये है अपने पास जी वैगन। तो ये कौन सी भाई है? G63 AM। तो अगर ईयर की बात करें तो कौन सा मॉडल है ये? 2018 रहने वाला है। और आपने ब्रांड न्यू ली थी या कैसे? जी चली हुई ली थी। अच्छा, तो ये नंबर की बात करें जो आपने बाद में परचेज करा था, उससे पहले लगा हुआ आया था। तो भाई 5000 इसका नंबर है। बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट जो इसकी लुक आ रही है ना, ये देख सकते हो भाई। ये है अपनी, जैसे भाई ने बताई दिया है, जी वैगन G63। तो फ्रंट से ये कुछ इस तरीके की है। और भाई जैसे बंदे कहते हैं कि भाई बलैरो को मॉडिफाइड करते जी वैगन बनाते, देखो वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इसमें जो मज़ा है भैया, किट कुट लग के वो हो जाएगी पर इंजन तो नहीं बदला जाएगा भाई। वाह, जो उसके एग्जॉस्ट की साउंड है वो तो भाई एक नंबर है, फुल अल्टीमेट। फ्रंट से अगर बात करें ना भाई, तो यार क्या ही बताऊं, क्योंकि देखो ये है थोड़े लग्जरी सेगमेंट, इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते भाई ने, अलॉय वगैरह और सारी चीज़ चेंज करा रखी है। अगर मैं साइड में से दिखाना चाहूँ ना, तो ये कितने सीसी की रहती है भाई? भैया V8 होती है बाइटर। अच्छा, तो भाई ये है कुछ इस तरीके से इसके अलॉय व्हील्स। तो अगर बात करो तो 305/40 और 22 इंच के भाई अलॉय व्हील्स हैं। तो इसमें पहले कितने थे? 20 इंच। 20 थे, 20 से 22। तो ये ओरिजिनल है अपने? ओरिजिनल भाई साहब। ये इसकी क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ गई थी अपनी? ये मेरे ख्याल से 2.5 लाख के आसपास। 2.5 लाख के आसपास। और इनमें एवरेज क्या दे रही है ये भैया? गाड़ी की एवरेज 2 या 3 की। 2 या 3 की? ये पेट्रोल है? हाँ जी भाई साहब, 2 या 3 की इसकी एवरेज है। और भाई ने जब भी इतने बड़े अलॉय व्हील लगाए, जब से पहले लगे हुए थे 20 इंची, जब कम थी एवरेज का इतना फर्क नहीं पड़ा, इतना फर्क नहीं पड़ा। तो भाई जब आप इसको लगवाने गए थे तो ये मर्सिडीज से लगवाए थे आपने? कहाँ से? नहीं, आफ्टर मार्केट मोंगा टायर से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें कुछ स्पेसर वगैरह भी ऐड ऑन हुआ था या नहीं? ऐसे स्पेसर लगा था। तो भाई स्पेसर इसके अंदर ऐड होना है, ये देख लो। ये डायरेक्ट फिटमेंट वाले नहीं थे, ये जैसे स्पेसर लग के ये फिट हुए थे। हाँ, ये देख सकते हो, उसी तो कारण ये थोड़े बाहर भी आए हैं बॉडी लाइन। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो जिससे इसकी लुक यार बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो कहीं से कटिंग वगैरह भी हुई है कार की? नहीं, कटिंग कुछ कहीं अड़ते बढ़ते टच नहीं, होती नहीं, है नहीं, बिल्कुल। तो भाई साहब, और रनिंग रिस्पॉन्स कैसा है इसका? भागती है पूरी। मतलब अगर मैं पूछूँ तो कितनी भगा रही है आपने टॉप? 180-190 इन अलॉय पे। इन अलॉय फुल स्टेबल? फुल स्टेबल भाई। वाह यार, ये तो। और टॉप स्पीड है कितनी इसकी भैया? ये एक बार हम देख ही लेते हैं ना कि टॉप स्पीड इसकी है कितनी ना। तो ये देखो 280। 280। तो भाई साहब 280। और भाई ने कितनी चलाई हुई है? 180-190। तो भाई साहब यार गाड़ी तो यार एक नंबर है। जो इसकी गेट की आवाज़ है वो कुछ ओल्ड स्कूल टाइप है ना, जैसे कि वो मतलब पुराने टाइप में। ये देखो ऐसी, तो जैसे पुराने जमाने में जैसे कि वैन वो 800 वगैरह उसकी गेटों की आवाज़ होती थी ना, उस तरीके की कुछ आवाज़ है पर प्रीमियम में है। हाँ जी। तो ये है बाहर से कुछ इस तरीके की। और दिखाना चाहें तो पीछे की तरफ आते हैं, तो पीछे से ये भाई कुछ ऐसी है, ये चेक करो। तो भाई इसमें पीछे से और कुछ चेंज है नहीं है? नहीं, ये लगा हुआ है आफ्टर कंपनी से लगता है, ये लगवा भी सकते हैं, नहीं लगवाना नहीं। तो क्या कॉस्टिंग पड़ती है कंपनी से इसकी? ये मेरे ख्याल से भैया 1.5 लाख का होता है। 1.5 लाख का ये कवर? कवर कंपनी से ओरिजिनल 1.5 लाख का। आफ्टर मार्केट में जाते हैं तो 20-30 हज़ार का, थार में भी लग जाते हैं आजकल तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह रहे हो। अगर मैं डिग्गी इसकी ओपन करना भैया, डिग्गी में इसका कितना स्पेस है वो आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से रहने वाला है। तो भाई जैसे फ्लावर वगैरह पड़े, जैसे आपको बताया कि भाई का वेडिंग का काम है, ये तो ये हो गई। और ये 5 सीटर है अपनी, है ना? हाँ जी। तो भाई साहब अगर पीछे की रूम है अगर दिखाऊँ तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की है। 3 जने इधर आ जाएंगे। तो इसमें क्या चलता है भाई अपना डिस्प्ले में?
भैया गाने गुने लग जाते हैं, ऑक्स लगा के पेन ड्राइव लग जाती है। अच्छा, वीडियो चल जाती है, वीडियो वगैरह चल जाती है। हाँ जी। और ये ऊपर ब्लैक, तो ये कंपनी से ब्लैक रहता है सारा? सब कुछ कंपनी का। तो ये इधर बेल्ट आ रही है, ये किस चीज की है? ये बेल्ट लगाने वाली अच्छा इधर से आती है। हाँ जी, इसमें ऊपर से आती है। हाँ जी, ये पीछे अगर भी लगाना है, ये आगे वाली तो ये है। हाँ हाँ। वो पीछे अगर हमने कुछ बांधना बूंदना है। अच्छा, वो उसके लिए। हाँ जी, तो लगेज लगेज होता है। लगेज वगेज। तो अब अंदर आ जाओ भैया उस तरफ से। हाँ। अब फ्रंट में देखूँ तो भाई फ्रंट में आपको ये मेमोरी सीट वगैरह मिल जाएगी, लॉक अनलॉक मिल जाएगा, ये सारी चीज, पावर विंडो वगैरह इधर मिल जाएगी। डैशबोर्ड देखोगे तो भाई ये कुछ इस तरीके से रहने वाला है। तो ये इसकी सीट हो गई है। इसके भैया आगे पीछे करने का इससे होता है वो सारा, और अगर आगे पीछे बीच से ही है, सब कुछ वहीं से ही है, सब चीज वहीं से ही। हाँ जी। तो ये भी वर्किंग नहीं है क्या? वर्किंग, गाड़ी ऑन कर। अच्छा, गाड़ी ऑन नहीं है अपनी। तो ये देखो, ये हो गई और ये हो गई भाई, ये कुछ इस तरीके से। हाँ। यहाँ से वर्किंग रहता है सारी चीज। अब आते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर से ये है कुछ इस तरीके की। भाई एक चीज बताना चाहूँ, आप बंदे बोलेंगे कि भाई ये आगे से तो नया वाला मॉडल है, अंदर से पुराना वाला मॉडल है, तो भाई ये कन्वर्टेड है अपने। हाँ जी भाई। तो कितने में कन्वर्टेड है भाई ये, कौन से मॉडल में? भैया ये 22 मॉडल में कन्वर्ट है। वैसे ये इसके आसपास 5.5 लाख लगता था। अच्छा, मतलब कि 5.5 लाख रुपए। हाँ जी, कन्वर्ट कराने में। कन्वर्ट कराने में लगे हैं आपके? हाँ जी, ऊपर ऊपर। तो ये मर्सिडीज से कराई है आपने, बाहर से कहीं? मर्सिडीज से नहीं होती भैया, ये बाहर से होती है। अगर मैं दिखाना चाहूँ फ्रंट से कि भाई क्या क्या चीज इसके अंदर चेंज है, तो भाई साहब ये देख लो भाई, ये है कुछ इस तरीके से। मतलब कि लाइट वगैरह, बम्पर वगैरह सारी चीज। लाइट ऑन करके दिखाओ, लाइट ऑन करके दिखाओ। तो भाई साहब ये है कुछ इस तरीके से चेंज है, कन्वर्ट कराई हुई है पूरी भाई ने। ये देखिए, तो ये पूरी आफ्टर मार्केट है लाइट, है ना? हाँ, इसकी लाइट, ये ग्रिल, बम्पर। अच्छा 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 अच्छा। तो डायमंड आई कराई हुई है इसके अंदर या ये पर्पल कलर ऐसी है? स्टॉक ही है, स्टॉक है। तो भाई ये है ऐसी। अब मेन चीज का एग्जॉस्ट सुनाओ भाई, तो इसका कंपनी ब्रेड है बाहर से करवाया है? आफ्टर मार्केट है। तो इसका उस तरफ है ना, दोनों साइड है, इधर भी दोनों साइड है। तो इधर दिखा ये रहा भाई। हाँ, तो अभी आपको ना इसके भाई आउटपुट सुनाते हैं एग्जॉस्ट की। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताने वाले एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट के बारे में, जो वेबसाइट का नाम है भाई caraccessoriesstore.net। तो भाई लिंक वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो बताता हूँ कि भाई किसी भी भाई को अगर हेडलाइट की दिक्कत है, परेशानी है बल्ब्स की, मतलब कि आपकी जो कंपनी ब्रेड लाइट्स हैं वो इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं है, उजाला नहीं दे पा रही है रोड पे बढ़िया तरीके से, तो उन्हीं लाइट को अपग्रेड करने के लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया LEDs अपने लिए चूज कर सकते हो, जिनको आप इजिली इंस्टॉल भी कर सकते हो खुद ही। तो घर बैठे भी आप इजिली मंगा सकते हो, हर तरीके की आपको LED लाइट्स मिल जाएगी आपके बजट के अकॉर्डिंग। और पेमेंट ऑप्शन भी अपने यार बहुत सारे मिल जाएंगे, EMI का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मतलब कि आसान किस्तों पर आप भाई LED लाइट्स वगैरह या बेसिक जो एसेसरीज होती है कार की, जो भी आपको चाहिए सब A to Z मिल जाएगी। बात करते हैं, बहुत सी कार ऐसी होती है जिनमें भाई फोग लैंप भी यूजफुल नहीं होते, तो फोग लैंप भी आप अपग्रेड कर सकते हो। GTR के अपने फोग लैंप मिल जाएंगे, iPatch मिल जाएगा, जीवा का प्रोजेक्टर मिल जाएगा आपको, वो सारे आपको इसी वेबसाइट पे इजीली मिल जाएंगे। जिसको भी ऑर्डर करना हो इजीली कर सकते हो। बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी, तो आपको आफ्टर मार्केट टेल लाइट्स वगैरह भी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि आर्मरेस्ट वगैरह, जो कि भाई ओरिजिनल होता है मारुति सुजुकी का, जैसे कि अपने टॉप मॉडल वाला स्टेयरिंग, मतलब कि जितने भी जिसकी कार बेस मॉडल है उसको टॉप भी बनानी है, तो उसके लिए भी आपको एसेसरीज वगैरह सारी इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके भाई क्लिक करें और ऑर्डर करें, और आसान किस्तों पे आप अपनी कार को भाई मॉडिफाइड करा सकते हैं। भाई ये देखो एग्जॉस्ट की साउंड, अब आते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर से ये है कुछ इस तरीके की। ये इसमें सारा अपना म्यूजिक सिस्टम वगैरह का सारा आउटपुट इधर है। ये डिस्प्ले होगा इसकी। हाँ जी। और भाई साहब इसका स्टीयरिंग और स्पीडोमीटर भाई क्या अल्टीमेट है। तो ये रहने वाला है इसका कंसोल, गियर कंसोल, ये सारा ये रहने वाला है ना। कितना छोटा सा गियर है इसका, मतलब जितनी बड़ी ये गाड़ी है ना उससे छोटा सा इसका भाई ये गियर बॉक्स अपना गियर नॉब रहने वाली है। तो ये भी है इसका टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ में वर्ड में दी हुई है कि भाई जिसको 16 करना 16, 18, 20, 22 ये रहने वाला है। इधर ये हो गया। तो अब बात करते हैं ये सारे किस चीज़ के भी बटन इसमें? ये सीट के ही हैं ये सारे, ये 4x4 के कंट्रोल्स हैं। अच्छा, ये इसके 4x4 के कंट्रोल्स हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है 1, 2, 3, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ये भैया थर्ड पे अगले दो टायर चलते हैं, सेंटर में 4x4 और सेकंड में पिछले रियर। हाँ जी, रियर व्हील। हाँ, तो ऐसे सारा वर्किंग रहता है भाई साहब। और अब बात करते हैं इसमें स्पीकर वगैरह कितने होते हैं, आगे हो गए और पीछे हो गए, और डिग्गी में भी अपने दो रहने वाले हैं, यानी कि टोटल 6 स्पीकर अपने रहते हैं इसके अंदर। हाँ, ये हो गया अपनी सनरूफ। हाँ, तो इसको ओपन करना, ये हो गई भाई साहब, ये हो गई अपनी सनरूफ ओपन।
तो ये इसका ब्लैक ये कंपनी से आता है। हाँ जी, तो ये सारी चीज रहने वाली है। अपना आपको म्यूजिक सिस्टम की आउटपुट सुनाने वाले किस तरह क्या आने वाला है, तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं। अब तो भाई इसका म्यूजिक सिस्टम भाई साहब एक नंबर है ना भाई। तो भाई इसमें क्या खर्च हो गया अलॉय व्हील वगैरह कन्वर्ट वगैरह कराने में टोटल ओवरऑल? भैया 8 लाख के आसपास। 8 लाख रुपए के आसपास है ना। तो भाई ये है आज की वीडियो, हमने आपको सारी चीज दिखाई। अब तक वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।